हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, इसमें हम करने वाले हैं जो 64th बीपीएससी मेंस आने वाला है उसके कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे देखो, कोई भी प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन देखिए इसमें जैसे कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो कैसे किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं वो थोड़ा एनालाइज करना करना पड़ता है। उससे पता चल जाता है कि कौन क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे फिर आप जैसे जीएस पे वन में पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन करना होता है, और सेकेंड पार्ट में भी 3 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 2 क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो तो आ ही जाएगा। तो आप देख लेते कि अगली बार आने का कौन तरीका है, या क्वेश्चन कौन कौन ऐसे हैं जो आते ही रेगुलर आते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। और फिर मैं एक थोड़ा एक सैम्पल भी बताऊँ कि मैं कैसे करता हूँ, कि मुझे जो फ़ायदा मिलता है और याद रहता है। क्योंकि नोट्स बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस करना एक वो अलग ही मैटर है। तो ऐसे याद करो जो रिप्रोड्यूस हो जाए आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि क्या क्या आएंगे, और सबसे पहले उससे भी पहले क्वेश्चन उठता है कि GS1 का जो पहला पार्ट है, 3 पार्ट में करेंगे, तो जो पहला पार्ट है उसमें क्या क्या आता है। मतलब सबसे पहले GS1 का जो पहला पार्ट है उसमें आता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। उसके अलावा आता है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अलावा आता है ट्राइबल रिवोल्ट, और उसके बाद आता है लीडर्स के बारे में, जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और टैगोर के बारे में। ठीक है, तो हम इसको एनालाइज करें एक एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए GS1 में जो पहला करने वाले हैं हम लीडर्स वगैरह के बारे में, लीडर्स जो 3 लीडर के बारे में आजकल बहुत क्वेश्चन आने लगा है। 2-3 साल से क्वेश्चन पहले भी आते थे, लेकिन 2-3 साल से या 2-3 बार से, 2-3 मेंस से तो बहुत ज़्यादा ही आने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो पिछली बार गांधी जी का आया था सोशल एंड कल्चरल थॉट, सोशल एंड कल्चरल थॉट ऑफ गांधी जी के सोशल सोसाइटी के और कल्चर के क्या थॉट थे उसके बारे में डिस्कस करना था। ठीक है, उससे पहले गांधी जी के बारे में आया था कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन भी थे, और गांधी जी के बारे में ही ये था ये मेनली कि गांधी जी कैसे, कि मतलब ऐसा था कि पॉलिटिशियन भी थे और महात्मा भी थे, दोनों थे। कि गांधी जी को महात्मा भी बोला जाता था, और जबकि गांधी जी ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जो सबके समझ से परे थे। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करना था। उसके बाद बहुत पहले क्वेश्चन आया था वर्ण जाति सिस्टम पे, वर्ण और जाति सिस्टम पे, तो गांधी जी के क्या थाट थे वर्ण पे, क्या थाट थे जाति पे, क्या गांधी जी चाहते थे कि जाति को कैसे हटाया जाए, इसके बारे में डिस्कस करने। ये क्वेश्चन जाति वाला क्वेश्चन एक्चुअली इस बार से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जाति वाला क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता। और जाति वाला क्वेश्चन में एक और एंगल आ सकता है कि गांधी जी और B.R. अंबेडकर, इन दोनों के बीच जाति पे कंपैरिजन आ सकता है। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो सिंपल आए हैं, एक एक पर्सन के बारे में आ सकता है, आया है, लेकिन हो सकता है मे बी फ्यूचर में जो हम लोग दे 64th में उसमें कंपेरिजन भी आ जाए, तो करने में क्या बुराई है एक दो टॉपिक। तो गांधी जी, देखिए गांधी जी को आप छोड़ नहीं सकते, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, कोई भी एग्जाम जहाँ पे मेंस आता है वहाँ गांधी जी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, देखिए ये 3 टॉपिक तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ये 3 टॉपिक आप छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। इन तीनों के अलावा मात्र इसके अलावा 3 क्वेश्चन और करना है जो कि हमें मतलब वही आएगा। देखिए तो मैंने इसको क्या लिखा है, जिस पे मैं ये वाला टिक लगाया हूँ, इस कलर का लगाया हूँ, वो है फर्स्ट राउंड में आपको करना है। सेकेंड राउंड में इसको करना है, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसको तो करना है। टोटल 7 क्वेश्चन है ऐसा जिसमें एक लिखा हुआ है, और 2-3 क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है। तो अब देख रहे हो क्वेश्चन कैसा है, सोशल एंड कल्चरल थॉट के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कितना आया है, कि देख रहे हो कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में था, जैसे उनका नैम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और उनका पंचशील, ये दोनों लिखना था फॉरेन पॉलिसी में। तो एक चीज़ देख सकते हो, गांधी जी का 63rd में भी आया, तो और जवाहरलाल नेहरू का 60-62 में आया, तो जवाहरलाल नेहरू का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों, फॉरेन पॉलिसी वाला, क्योंकि आप देख रहे हो फॉरेन जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इतने सारे मतलब इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन इसका जो उनका जो पॉइंट है वो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ही, पंचशील आपको कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका सेकेंड पार्ट IR वाला आता है, IR मतलब उसमें मेनली IR वगैरह रहता है, या नेशनल का करेंट अफेयर्स, तो वो उनका जो पंचशील वाला पॉइंट है, चाहे उसका नाम वाला पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं भी यूज हो सकता है, मतलब थोड़ा एकेडमिक रूप से यूज करे तो जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट था रिलेवेंस ऑफ नेहरू मेकिंग मॉडर्न इंडिया, मतलब ये 2 बार आया लगातार। ठीक है, देख आप ऐसा नहीं बोल सकते इन लोगों के बारे में कि नहीं आता है, लगातार आ रहा है। ठीक है, टैगोर के बारे में, टैगोर पिछली बार पूछा था लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में, उससे पहले नेशनलिज्म,
और उससे एक साल बीच करके पूछा था सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, और एक बार ही पूछा था रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देख रहे हो टैगोर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप दो चीज़, अगर आप गांधी जी को थोड़ा छोड़ भी सकते हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और टैगोर आप कर लीजिए, क्योंकि जो बुक है ना स्पेक्ट्रम की बुक है, नाम से ही है, गांधी नेहरू टैगोर नाम ही है उनका उस पर्टिकुलर बुक का। तो इसमें से देखिए, एक तो गांधी जी के पेज बहुत ज़्यादा है, 120 पेज में है ऑलमोस्ट, तो आप गांधी जी को छोड़ सकते हो, जवाहरलाल नेहरू और टैगोर को कर सकते हो, मतलब एक इसमें से भी मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए क्या क्या आ रहा है कि 1857 का रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1857 का रिवॉल्यूशन, ये बहुत ही क्वेश्चन है, लेकिन पिछली बार आ चुका है तो बहुत ही रेयर चांस है कि आएगा। देखिए रिपीट हो रहा है, मैंने देखा लीडर वाले में ही सिर्फ रिपीट हो रहा हो, ऐसे नहीं। तो ये वाला ये कलर है वो सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है, सेकेंड राउंड, ठीक है। गांधी जी का मास मूवमेंट देखिए, ये आप उसमें ही पढ़ लीजिएगा, गांधी जी में अगर पढ़ना होगा तो ये यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। चंपारण वाला भी पिछली बार आ चुका है, तो चंपारण, क्योंकि ये सब देखो ये क्वेश्चन है ऑलराउंडर क्वेश्चन है, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए इसको सेकेंड राउंड में करना ही करना चाहिए, ठीक है ना। NCM नहीं आया क्वेश्चन, CDM एक बार ही आया था, ठीक है। QIM इस बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस बार देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये हुआ था 42 में, तो ऑलमोस्ट नहीं, अगर 75 नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो QIM फिर भी आने का चांस है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो। और QIM इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड पूछने का इनको मौका मिल जाता है, वही तो चाहते हैं, बिहार से रिलेटेड कि पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ बिहार इन क्या कैसा था QIM में, या देख रहे हो आप इसमें जो भी पूछे हुआ है बिहार से रिलेटेड पूछा हो, एक एक साल के अंतर पर पूछा हो, देख रहे हो 40 में 41 में पूछा, फिर एक बारी गैप, मतलब 42 गैप किया, 44 में पूछा, एक बारी गैप किया, उसके बाद 48 to 52 में पूछा, एक बारी गैप किया, मतलब 53 to 56 वाले में, मतलब एक बारी गैप किया फिर से पूछ दिया। तो मुझे लगता है QIM बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल चांस है, और उसका वो भी QIM का दो क्वेश्चन आपको करना है कि एक तो नॉर्मली, और उसी में लिख दिया कि पीपल पार्टिसिपेशन बिहार क्या था, बिहार के पीपल का पार्टिसिपेशन कैसा था इसमें। वेस्टर्न एजुकेशन सेकेंड राउंड में करना है क्योंकि पिछली बार आ चुका है, लेकिन आप ऐसे देख लीजिए लगातार 2 साल आया है तो पता नहीं, सेकेंड राउंड में तो करना ही करना है क्योंकि इतनी बार आ चुका है। इसका मैंने एक पेज में बनाया है, मतलब थोड़ा ग्राफ के मदद से, तो आपको मैं वो भेज सकता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह नहीं कर सकते, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब इन सबको छोड़ सकते हो आप। देखो करने को तो आप सब कर लो, वो अलग बात है। देखिए आर्ट एंड कल्चर में एक क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है, मौर्यन आर्ट कर लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि पटना कलम आर्ट पिछली बार आ चुका है, और पटना कलम पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी मुझे लगी, राज्यसभा टीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, और ये तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक KBC 9 या आरोही पब्लिकेशन की बिहार की बुक जो भी आती है ना उसमें ये तीनों मिल जाएगा, या आप कहीं से नेट से सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया वगैरह से देख सकते हो, ठीक है ना। घाट घाट का पानी छान के आप नोट्स बनाइए तो और अच्छा होगा, ठीक है ना। और एक पाला, मतलब इसमें चार टॉपिक है, वैसे मधुबनी अभी तक आया नहीं है, तो मौर्यन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मौर्यन बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक के गैप पे आया है इतनी बार, एक एक, मतलब एक साल छोड़ के फिर आता अल्टरनेट ईयर पे, तो 63 छोड़ दो आप, 64 में आएगा ही, मतलब इसको आप 110% रख सकते हो, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते लेकिन जनरली ऐसे ही करते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्राइबल रिवोल्ट में हर साल एक एक गैप क्या आता है, अब देख रहे हो एक गैप, ऑलमोस्ट एक एक गैप क्या आता है, तो संथाल आ चुका है, तो इस बार एक ही चांस है, बिरसा मुंडा पे आएगा ही आएगा। तो आप इन जो छः क्वेश्चन है ना इस पर नोट्स बना के आप रख लीजिए, दो दो पेज A4 साइज पेज पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बना के रखता हूँ, कि क्योंकि देखिए आप भले ही याद करके, मतलब वो हो जाओगे आप बुक से पढ़ पढ़ के याद कर लोगे, हाँ लिख दोगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको लिख लेनी होती है कि मुझे अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट मुझे रखना ही रखना है, मतलब मुझे आंसर शीट में ये पॉइंट दिखना चाहिए टीचर को। जैसे ये ऐसे मैंने लिखा कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार इन 1813 to 1947, तो मैंने ऐसा रखे कि मेरा जो पेपर आएगा ना तो उसमें मैं ये पॉइंट कैसे ही भी कैसे करके डालूंगा, ऐसा पॉइंट मेरे आना चाहिए, इसके अलावा मैं जो भी लिखूं, लेकिन ये पॉइंट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि
कितना भी बना के थोड़ी लिख सकते हैं, मतलब ये तो याद ही होना चाहिए। एक्ट में जैसे वेस्टर्न एजुकेशन की बिहार में कैसे कैसे फैला, तो एक्ट के हिसाब से वो एक्ट वाइज याद होना चाहिए। ऐसे थोड़ी हम कर सकते कि कुछ भी लिख दें। तो ऐसे लिखोगे तो फिर नंबर आने के ज़्यादा चांसेस, मतलब ऐसे नहीं मतलब, लेकिन ये पॉइंट आना चाहिए आपका आंसर शीट में, दिखना चाहिए टीचर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला पार्ट था। सेकेंड और थर्ड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट मैंने पहले इसलिए अपलोड कर दिया क्योंकि ये स्टैटिक वाला है, मतलब ये आपको रख करके रखना ही रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग बता सकते हो स्टैट, क्योंकि स्टैट मेरा अच्छा है, तो स्टैट में स्टैट और DI, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मैं वो भी अपलोड कर सकता हूँ, वो पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर करके या समझा समझा के। ठीक है, आप ठीक है, आप बता सकते हो।